अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑप्टिशियन दोस्तों के लिए जो ऑप्टिकल का बिज़नेस करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है कि आप अपने ऑप्टिक्स के बिज़नेस को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, वो कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल जो है नौजवान, आजकल सारे लोग स्पेशली नौजवान जो तबका है वो मोबाइल इन चीज़ें इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं कि वो घर से निकल के किसी शॉप तक, किसी ऑप्टिकल शॉप तक, किसी मार्केट तक जाना ग्वारा नहीं करते। वो चाहते हैं कि हर चीज़ को डोर स्टेप में मिले। वो ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा ऑनलाइन कंपटीशन है। तो उस ऑनलाइन कंपटीशन में अपने रिटेल बिज़नेस को कैसे बचा सकते हैं, या आप रिटेल के साथ साथ ऑनलाइन बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। इस तरह अगर आप एक रिटेल बिज़नेस है, आप एक ऑप्टिकल शॉप है, तो आप रिटेल में भी आप अपना बिज़नेस करें, साथ में आपको उसको ऑनलाइन पे भी शिफ्ट करें। ये किस तरह, इसका सारा स्टेप आपको बताऊंगा। आपने बिज़नेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, आपने बिज़नेस को ड्रॉप होने से कैसे बचा सकते हैं, आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो ये स्टेप्स थोड़ा सा अन तरतीब के साथ नहीं लिखे हुए, इनमें मैं अपने हिसाब से अपने तरतीब से आपको स्टेप्स बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने ऑप्टिकल शॉप का एक स्पेशल ड्रेस कोड बनाएं, एक स्पेशल टी शर्ट बनवाएं, ताकि आपकी एक अपनी अलग पहचान हो, आप अपने पहचान को मुमताज़ रखें लो दूसरों से। उसके अलावा आपका जो ऑप्टिकल शॉप का जो स्टाफ है वो थोड़ा सा एजुकेटेड हो, और उनकी मेन जो चीज़ है उनकी सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ऑप्टिकल शॉप की सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। साथ में आपने स्टाफ जो है ना आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि कस्टमर जब आपके शॉप में एंटर होता है तो आपके स्टाफ की सफाई को देख के, आपके स्टाफ के बात करने के अंदाज़ को देख के उसको लगेगा यार ये आप एजुकेटेड तबका है, ये एक बाकायदा प्रोफेशनल सेटअप पे मैं आया हूँ, तो यहाँ से मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। अगर आपके स्टाफ में सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते, आपको प्रॉपर ऑप्टिकल शॉप में सफाई नहीं है, तो वो लोग कहते हैं यार ये कौन सी गंदी जगह है, यहाँ से क्या मिलना है मुझे, वो आपसे मायूस होकर वहाँ से खाली ही चले जाते हैं, अंदर आने से पहले ही वापस चले जाएंगे, आपसे बात करने से पहले ही वापस चले जाएंगे। उसके अलावा आपके पास आपका जो पेशेंट है या कस्टमर है वो आता है, तो आपके अंदर एबिलिटी क्रिएट करने का, आप पेशेंट के मसले को पेशेंट के बताने से पहले समझ सकें। अगर पेशेंट के बताने से पहले आप उसके मसले को नहीं समझ सकते, आप खैर खैरियत पूछें पेशेंट से, सबसे पहले पेशेंट से बातें करना शुरू करें, पेशेंट से बातों बातों में पूछ लें, उसको ऐसे ना पूछें कि आपको हाँ भाई क्या मसला हो रहा है, बातों बातों में पेशेंट ने खुद बात को बता देना है कि मैं इस तरह इस तरह इस तरह ये मसला है, तो आपने क्या करना है उसी हिसाब से पेशेंट को क्या करना है, डिस्कस करना है, तो पेशेंट के मसले को हल कर देना है। अब इसमें क्या करना है, आपने पेशेंट का बहुत ज़्यादा केयर करना है, पेशेंट के ग्लास सब मुझे अपने ग्लासेस दिखाएं, उनके ग्लास लें, स्पिरिट से ग्लासेस साफ़ कर दें, उसके शीशे साफ़ कर दें, उसके अलावा उसके नोज़ पैड चेंज कर दें, नोज़ पैड को एक्सपेंसिव नहीं है, वो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। जब आप ग्लास साफ़ करेंगे तो आपने अपनी बातों बातों में पेशेंट को इस तरफ ले आना है कि वो अपने ग्लासेस चेंज कर ले। आपने कहा सर मैं ग्लास तो आपके साफ कर, लेकिन वो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा हैं, आपका विजन डिस्टर्ब नहीं होता, आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप धूप के ऊपर जाते हैं आप डिस्टर्ब नहीं होते, इससे आपको ब्लरी नज़र नहीं आ रहा। ऐसी बातें करें कि पेशेंट का माइंड खुद बहुत आ जाए हाँ यार ये तो अब मुझे चेंज करने चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को आपने पेशेंट को खुद ले आना है उस पॉइंट की तरफ, ताकि पेशेंट इस चीज़ की तरफ सेटिस्फाई हो जाए। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्टेप्स, पहली बात तो यह है कि आप अपने ऑप्टिकल शॉप में बहुत ज़्यादा फ्रेम्स का कोई ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें ज़रूर रखें, ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें जो सिर्फ आपके ऑप्टिकल शॉप पे अवेलेबल हों, कहीं और से मिलने के उनके चांसेस ना हों। जब यूनिक चीज़ें मिलेंगी पेशेंट को, यूनिक चीज़ें मिलेंगी कस्टमर को, वो ज़रूर आपके शॉप पे आएंगे, वो ज़रूर चीज़ें लेने के लिए आपके पास आएंगे। उनको पता है कि यार मैं यहाँ जाऊँगा मुझे कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, वो यूनिक चीज़ होगी। ठीक है ना, पेशेंट जब सेटिस्फाई होगा वो ज़रूर आपके पास आएगा। ठीक है, इन जो हाँ क्वालिटी वाइज आप बहुत ज़्यादा ढेर लगा देंगे, उसका क्वालिटी बेहतर नहीं होगा, उससे पेशेंट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सारी आपके फ्रेम्स दिखा देंगे, पेशेंट उससे कन्फ्यूज़ हो जाता है, पेशेंट कहता है यार अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पेशेंट कन्फ्यूज़ होकर आपके शॉप से खाली चला जाएगा। नहीं, कम चीज़ें रखें लेकिन यूनिक चीज़ें रखें। उसके अलावा स्पेशल लेंजेस, नॉट क्राउड, जहाँ जिस तरह के फ्रेम का मैंने बताया, लेंस का भी आपने ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है, स्पेशल लेंजेस रखने हैं, मखसूस किस्म के लेंजेस रखने हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं बताना पेशेंट को, वो कन्फ्यूज़ जाएगा।
सबसे पहले बातें करते करते पेशेंट के प्रोफेशन को पीछे, फिर पेशेंट को उसी हिसाब से लेंस का बताएं। एक कंप्यूटर यूज़र है उससे आप बात जो करेंगे, आप सिर्फ ब्लू कट, मल्टी कोट, एंटी रिफ्लेक्टिव, वो चीज़ें हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड, उनकी बात करें, दो या तीन लेंसेज की बात करें, उनसे आप वाइट कोट, उनसे आप फोटो सन, उनसे आप प्रोग्रेसिव, इस तरह की चीज़ों की बात ही ना करें। आप जब एक पेशेंट को 8 से 10 लेंसेज के बारे में बताएंगे, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी कि मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मुझे क्या सूट कर रहा है। एक कंप्यूटर यूज़र, उसको 2 से 3 बताएं। अब एक बंदा है जिसने ट्रैवल करना है, धूप को प्रसार देने का काम है, उसको आपने फोटो सन के बारे में बताना है, फोटो ग्रे हो या फोटो ब्राउन हो, 2 से 3 के बारे में आपने बात करनी है, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी, ठीक है। अब एक बुज़ुर्ग है, ना उसका मोबाइल का यूज़ है, ना उसका कंप्यूटर का यूज़ है, ना उसने बाहर फिरना है, उसको सिर्फ चाहिए बायफोकल, थोड़ा दूर से भी नज़र आए, थोड़ा नज़दीक से भी नज़र आए, उसे आपको सिंपल वाइट भी आप दे सकते हैं उसे। मतलब कि आप कहने का मकसद यह है कि पेशेंट को उन चीज़ों के बारे में गाइड करें जो उसके हिसाब से हो, उसको एक या दो चीज़ें बताएं ताकि वो कंफ्यूज ना हो और इजीली फैसला कर सके मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद आता है डिस्प्ले, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो ऑप्टिकल शॉप है उसका डिस्प्ले एक बेहतरीन होना चाहिए, उसका डिस्प्ले बहुत खूबसूरत होना चाहिए, उसका डिस्प्ले बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि पेशेंट एंटर हो, उसको एक माहौल महसूस करे, उसको पता लगे यार वहाँ कोई चीज़ मुझे मिल सकती है अच्छी चीज़। और जहाँ तक डिस्प्ले का ताल्लुक है, मैंने बात की है बड़े बड़े ऑप्टिकल शॉप्स वालों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, मैंने देखा भी है, सिर्फ बात नहीं की, मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा मैंने उसको अट्रैक्टिव देखा है इस चीज़ को और कस्टमर्स बढ़ते हुए देखे हैं। वो जो उनका डिस्प्ले है, वो अपने डिस्प्ले का पैटर्न महीने में एक दफ़ा ज़रूर चेंज करते हैं। आपके यहाँ पे जो ग्लासेस लगे हुए हैं वो एक महीने के बाद यहाँ नहीं होंगे, वो एक महीने के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आपके यहाँ पे जो ग्लासेस लगे हैं वो एक महीने के बाद यहाँ नहीं होंगे, वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ आपके जो ग्लासेस हैं वो एक महीने के बाद यहाँ नहीं होंगे, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपने नीचे कोई स्टैंड टाइप का लगाया हुआ है, वो उसके साथ ग्लासेस लगाए हुए हैं, तो उसकी पोजीशन शॉप के एक कोने से दूसरे कोने में चेंज कर दें आप। मतलब कि अपना शॉप का जो पोजीशन है आप उसका वो बदलते रहें। जब आप बदलते रहेंगे, लोग हमेशा एक बात याद रखें, तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली जब तक शॉप में नहीं लगाएंगे, पेशेंट एक दफ़ा आएगा, दो दफ़ा आएगा, तीन दफ़ा आएगा, वो बोर हो जाएगा। एक दो या तीन दफ़ा आने के बाद आपके कस्टमर को पता होगा वो फ्रेम वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो फ्रेम वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, वो चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है, उसको सारी आपकी कहानी की समझ आ जाएगी, वो इस चीज़ से बोर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा कस्टमर आपके पास आया, उसने वहाँ वो चीज़ें देखी है, लेकिन अब वो देखेगा उधर वो चीज़ें नहीं, कोई नई चीज़ लगी हुई है, वो उसको गौर से देखेगा। अब इस ट्रायल पे आएगा, इस डिस्प्ले पे आएगा, तो उसको जो चीज़ वहाँ पहले नज़र आई थी, यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं है, वहाँ कोई और चीज़ है, ठीक है। मतलब कि वो उसको लगेगा ये चीज़ें जो पड़ी हुई हैं पहले वाली नहीं है, ये नई चीज़ आ गई है। हालांकि चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ आपने जगह चेंज करना होता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आप ट्राई करके देखिए, सबसे बेहतरीन स्टेप है ये। और उसके बाद ऑनलाइन और होम डिलीवरी, आजकल नौजवान, मैंने आपको पहले ही बताया, ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। नौजवान जो है ना, बिल्कुल भी बल्कि शॉप तक नहीं जाना चाहते, वो मार्केट तक नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको हर चीज़ डोर स्टेप पे मिले। इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्ले रोल प्ले करना पड़ेगा। आपके पास कस्टमर आता है, उसको सेटिस्फाई करें। पेशेंट कहते हैं मैं जल्दी में हूँ, मैं ग्लासेस रेडी करके दें, अगर नहीं करके दे सकते तो मैं कहीं और से बनवा लेता हूँ। आप इसके लिए पेशेंट को होम डिलीवरी की सहूलत, आजकल के दौर में होम डिलीवरी की सहूलत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऑनलाइन को भी अपने शॉप पे सहूलत रखें, क्योंकि नौजवान आजकल ऑनलाइन भी जा रहे हैं। आप जो है ना ऑनलाइन की सहूलत देंगे तो उसमें आपके कस्टमर आपसे टूटेंगे नहीं, पुराने कस्टमर, नए कस्टमर आपसे ज़रूर जुड़ेंगे लेकिन पुराने कस्टमर आपसे कभी भी नहीं टूटेंगे। अगर आप वही पुराने टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे कि भाई नहीं, मैं बहुत पुराना, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं 25 साल से कर रहा हूँ, मैं 30 साल से कर रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन करने की या होम डिलीवरी देने की, मेरे पास इतना स्टाफ नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यकीन जानिए मैंने ऐसे ऑप्टिकल शॉप्स के आई क्लिनिक्स, ऐसे बहुत से बिजनेस सेटअप्स मैंने अपने आंखों के सामने 1.5 से 2 साल में उनका ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो तक जाते हुए देखा है।
और उनसे जब भी मैंने बात की उनकी यही बात थी भाई हमारा तो मेरा एक बंदा था उसका कहता है मेरा क्लिनिक भाई 30 साल से चल रहा है 150 रुपीज़ पर डे के मेरे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पेशेंट से बात नहीं तमीज़ से बात कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इनकी क्या ज़रूरत है एक पेशेंट जाएगा तो क्या फ़र्क पड़े यकीन करो 1 या 1.5 साल या 2 साल के बाद उसके बाद पेशेंट रेशो 150 से खाली 30 तक आ चुका था। इसी तरह ऑप्टिकल शॉप्स के कस्टमर्स मैंने बहुत सारे देखे हैं प्राउडी घमंडी जो कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये बदतमीज़ है पेशेंट ये है वो है उनका ग्राफ मैंने खुद नीचे जाते हुए देखा है। ऐसा नहीं होता आप जब तक अपने आप को वक्त के साथ साथ नहीं बदलेंगे आपका कस्टमर आपसे टूटेगा क्योंकि लोग अब टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल हर बच्चे के हाथ में टच मोबाइल है एंड्रॉयड है तो नौजवान तबका ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है हर चीज़ के मामले में। तो आप रिटेल बिजनेस भी जरूर के साथ में आप ऑनलाइन का बिजनेस भी करें और लोगों को होम डिलीवरी की सहूलत लाजमी दें इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा ये आप देख लें आजमा लें ज़रूर एक दफ़ा। उसके बाद है डेटा स्टोरेज आजकल बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स हैं आप अपना डेटा स्टोर रखें डेटा सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर सकते तो कार्बन पेपर वाला कॉपी यूज़ करें उससे आपका पेशेंट का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए पेशेंट का पहला जो एनएक का नंबर था वो आपके पास होना चाहिए पेशेंट का फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए पेशेंट का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा आप पेशेंट को जब क्लासेस भेजते हैं तो पेशेंट को बता दें भाई आप जो क्लासेस दे रहे हैं इनका लाइफ टाइम 6 मंथ है 1 साल है 3 मंथ है जितना भी है एक स्पेशल टाइम बताएं थोड़ा सा उसको पेपर के ऊपर अपने मेंशन करें ताकि आप जब डाटा देखें आपको याद आ जाएगा आपने अपने पेशेंट को बताया था कि आपकी क्लास का जो लाइफ टाइम है 3 मंथ है आपके क्लास का लाइफ टाइम 6 मंथ है आपके क्लास का लाइफ टाइम 1 ईयर है। आप अपनी कॉपी को डेली बुनियाद पर थोड़ा बहुत देखते रहें आप देख कौन जो पेशेंट को 1 साल हो गया 6 महीने हो गए और 3 महीने को वो अभी वापस आपके क्लास में ऑप्टिकल में नहीं आया आपने क्या करना है उनको कॉल करनी है आपने सबसे पहले अटैक नहीं करना हाँ भाई आपके ग्लासेस का टाइम ख़त्म हो गया है आपके ग्लास का लेंस का लाइफ टाइम ख़त्म हो गया आप ग्लास चेंज करवाएं नहीं तो आपकी आँखें ख़राब होंगी नहीं सबसे पहले पेशेंट को कॉल करें कस्टमर को कॉल करें उनसे पूछें सर आप कैसे हैं सर आपके मिजाज कैसे हैं सर आपके घर में बच्चे कैसे हैं आपकी तबीयत ठीक है सर कोई परेशानी तो नहीं है पेशेंट के साथ हमदर्दी जिताने की कोशिश करें उसके बाद पेशेंट्स को डिटेल में बताएं कि सर क्योंकि हमारा ऑप्टिकल शॉप है हम पेशेंट के अपने कस्टमर्स का ख्याल करते हैं हमारे पास आपका रिकॉर्ड मौजूद है सर आपने अपने क्लासेस में जो लेंसेज डलवाए थे 6 मंथ पहले डलवाए हैं आपके लेंसेज का जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म हो चुका है क्यों अगर आप अपने लेंसेज चेंज करवाएं तो इससे आपकी आंखों का नुकसान होगा ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है आपके लिए बेहतर है। यकीन करें अगर आप 50 कस्टमर्स को ऐसे कॉल करेंगे तो मैं गारंटी से के साथ कहता हूँ 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपके पास वापस आएंगे और आपसे ग्लासेस बनवाएंगे और इससे पेशेंट का जब आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा आप पेशेंट को इतना ज़्यादा केयर करेंगे तो पेशेंट को एक अपनाइत महसूस होगी पेशेंट को एहसास होगा भाई आप लोग ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद सोशल मीडिया देखिए आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है आजकल हर नौजवान हर बच्चा सोशल मीडिया यूज़ करता है सिटीज़ के अंदर नौजवान है स्टूडेंट है बूढ़ा है बच्चा सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं इवन के मैं आपको एक एग्जांपल दूँ देहाती इलाकों में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं चरवाहे देखे हैं जो बकरियाँ चराते हैं यकीन करें उनके हाथ में टच मोबाइल है वो मोबाइल फिर भी वो फेसबुक फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं व्हाट्सएप फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कोई नौजवान कहता है आजकल हमें सोशल मीडिया पे से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो अपने आपको वक्त के साथ नहीं चला रहा वो बहुत जल्द नाकाम हो जाएगा। आपने अपने ऑप्टिकल शॉप के नाम से सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाना है सोशल मीडिया पे पेज बनाना है अपने ऑप्टिकल शॉप की चीज़ें आपने अपलोड करनी है अपने ऑप्टिकल शॉप की पिक्स अपलोड करने हैं बेहतरीन फ्रेम के पिक्स अपलोड करने हैं उसके बारे में वीडियोस बना के अपलोड करने हैं आपने अपने ऑप्टिकल शॉप का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है अपने कस्टमर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है अपने कस्टमर का नंबर रखना है अपने कस्टमर के फेसबुक से कनेक्ट होना है आपने अपने ऑप्टिकल शॉप से रिलेटेड चीज़ें फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपलोड करते रहेंगे तो आपके कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहेंगे तो इसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं आपको अपने तो मैंने जब स्टार्ट में क्लिनिक आई क्लिनिक खोला था यकीन करें मेरा क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के रिस्पॉन्स की वजह से कामयाब हुआ है। मेरे टीचर्स मेरे प्रोफेसर जहाँ जिस बैठे हुए थे उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ अल्लाह की ज़ात सब कुछ है मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंपेन किया है तो उस सोशल मीडिया की वजह से मेरे प्रोफेसर्स के मेरे बहुत सारे टीचर्स के पेशेंट कट के मेरे पास आ गए यकीन करें बहुत काबिल टीचर्स के बहुत काबिल डॉक्टर्स के पेशेंट कट के मेरे पास आ गए हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है सोशल मीडिया को कभी भी ना छोड़ें सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें अपलोड ज़रूर करते रहें
उसके बाद है सॉल्व द कस्टमर प्रॉब्लम। ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन तो पहले कर दिया है। जब आपके शॉप पे कस्टमर आता है, आप जज करने की कोशिश करें कि पेशेंट को क्या परेशानी है, पेशेंट से खैर खैर पूछें, पेशेंट से बातें करें, बातों बातों में उसने खुद आपको बता देना है। मैंने आपको पहले भी बताया, पेशेंट के लेंजेस साफ करें, पेशेंट को नोज पैड चेंज करें, पेशेंट को ऐसा महसूस हो, पेशेंट को चाय ना भी पिलाएं को मिले लेकिन ऑफर ज़रूर करें, पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक ना भी पिलाएं लेकिन ऑफर ज़रूर करें, पेशेंट को ऐसा महसूस हो कि उसका अपना सेटअप है, अपने शॉप पे आया हुआ, अपना अपना ही वो महसूस करें, तो इससे पेशेंट आपको कटेगा नहीं, पेशेंट आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। ये मैंने बाकी चीज़ें तोड़ मिखल पर्सनल नंबर। हाँ जी, आप अपने ऑप्टिकल शॉप के अंदर मोटा मोटा करके एक ऐसी जगह पे अपना पर्सनल नंबर लिखें जहाँ की मतलब आपका जो है कस्टमर आपका आपके शॉप में एंटर होता है तो पहली नज़र से आपके नंबर पे पड़े। जब आपका नंबर आपके सामने होगा तो वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा। ऑप्टिकल शॉप के बाहर भी मोटा मोटा करके नंबर लिखें, ऑप्टिकल शॉप के अंदर भी मोटा मोटा करके लिखें, और लिखें एक ऐसी जगह पे जहाँ पे पेशेंट जब आपकी शॉप के सामने आ जाए तो पहली नज़र वहाँ पे पड़े, या पेशेंट शॉप के अंदर एंटर हो तो पहली नज़र वहाँ पे पड़े, तो इससे आपका बिजनेस ज़रूर ग्रो करेगा। जब आपका पेशेंट देख लिया नंबर लिखा है इसको मैं सेव कर लूँ कहीं भी काम आ सकता है मुझे, तो इससे पेशेंट आपका आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा। अब मैं थोड़ा सा ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये देखें, ये मैंने अगर आपने यहाँ पे देखें इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट। अब 30% बिजनेस मैन नाकाम होते हैं जिनको स्टॉक का पता नहीं होता, उनके पास इन्वेंट्री का उनके कोई सिस्टम नहीं होता, उनको उसकी से वो नाकाम होते हैं। और उसके बाद 20% बिजनेस मैन नाकाम होते हुए देखे हैं, वो क्या होता है, वो पेशेंट सेटिस्फाई उनसे नहीं होता। 10% ऐसे होते हैं जो स्टॉक मिसमैनेजमेंट होता है, उनके पास स्टॉक को मैनेज करने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, ये चीज़ है। उसके अलावा जो टिप्स है, आपने क्या करना है, एक बेहतरीन सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, पेशेंट आता है, मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे लेंस नहीं दिखाएं, बहुत सारे फ्रेम नहीं दिखाएं, पेशेंट को कंफ्यूज ना करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, पेशेंट को हाँ जो ही हम आपके पास आता है पेशेंट कुछ तो बताते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें कुछ कन्फ्यूज़ होते हैं, आप उनसे बात करें, उनसे कि भाई डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दिखाएं जिसके मुताबिक हम आपको प्रेस करें। जब आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन पेशेंट हमें दिखाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम करते हैं हम डायरेक्ट पेशेंट को फ्रेम दिखाना शुरू करते हैं। ये गलती कभी भी नहीं करना। पेशेंट जब आपको प्रेस्क्रिप्शन बताता है, पेशेंट अगर डॉक्टर ने कोई स्पेशल किस्म के लेंजेज उसको रिकमेंड किए तो बता दें कि पेशेंट डॉक्टर साहब ने आपको ये लेंस रिकमेंड किया। अगर नहीं बताया तो पेशेंट का प्रोफेशन पूछ के उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि 2 या 3 किस्म के लेंजेज दिखा बताएं, उससे ज़्यादा नहीं बताना आपने। जब वो लेंस का फाइनल हो जाए फिर आपने पेशेंट को फ्रेम दिखाने हैं, फ्रेम भी स्पेशल दिखाने हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं दिखाना। जब पेशेंट सारी फ्रेम भी सिलेक्ट कर ले, पेशेंट को डायरेक्टली प्राइस कभी नहीं बताएं, पेशेंट को लेंस का प्राइस अलग से नहीं बताएं, पेशेंट को फ्रेम का प्राइस अलग से नहीं बताएं। वो जब सारी चीज़ें फाइनलाइज कर ले तो फिर आपने आखिर में अपने सबके प्राइस जो है ना मिला के टोटल पैसे बताने हैं। अगर आप डायरेक्टली फ्रेम का पेशेंट को बता देंगे पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाएगा। आपको पेशेंट को पहले पसंद करवाएं, आप देखें पेशेंट को एक चीज़ कितना पसंद आ गया। अब पेशेंट आपके पास आता है उसको डायरेक्टली प्राइस आपने बिल्कुल भी नहीं बताना, आप डायरेक्ट प्राइस बता देते हैं, पेशेंट क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो महंगा है मैं इसको खरीद ही नहीं सकता। पेशेंट उस फ्रेम को आप गौर से देखेगा नहीं, वो दिल से देखेगा नहीं, वो फैसला कर लेगा यार ये तो महंगा मैं नहीं ले सकता। पहले पेशेंट को लेंस पसंद करवाएं, फिर पेशेंट को फ्रेम पसंद करवाएं और उसकी क्वालिटीज बताएं, उसकी तारीफ करें, ये चीज़ इतनी अच्छी है, उसकी तारीफ अच्छी तरह से करें, उसको पेशेंट को सेटिस्फाई। जब आपका पेशेंट एक दफ़ा सेटिस्फाई हो गया आपसे तो फिर क्या करेगा पेशेंट, पेशेंट यार ये चीज़ अच्छी है चलो थोड़े बहुत पैसे लग भी रहे हैं कोई मसला नहीं है, पेशेंट आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप उसकी क्वालिटीज़ बताने से पहले प्राइस बताएंगे पेशेंट उसको कभी भी नहीं लेगा, यार ये महंगा है मैं नहीं ले सकता, तो पेशेंट कन्फ्यूज हो जाएगा, पेशेंट कहीं और चला जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस मामले में आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि रिटेल बिज़नेस के साथ आजकल अपने आप को ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर लाजमी शिफ्ट करें। जब तक आप ऑनलाइन बिज़नेस के साथ शिफ्ट नहीं करेंगे आपकी कामयाबी से ज़्यादा नाकामी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आजकल टोटल आवाम पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, अब एक दुनिया में एक तब्दीली आ रही है जो कि ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप बिज़नेस से रिलेटेड, ऑप्टिकल बिज़नेस से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच।